आप लोगों को बैंक से फोन करके कि आप लोग अपना एटीएम कार्ड का पूरा नंबर बताइए, तो क्या होता है अक्सर ये ग्रामीण इलाकों में होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में क्या होते हैं वो लोग जो होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको क्या लगता है बैंक से फोन आया है, बहुत खुशी से वो क्या करते हैं अपना एटीएम कार्ड, जाना नहीं पड़ेगा बैंक का झेल, मतलब बैंक में कौन झेले, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हो खुद बच्चे हो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो बिना लाइन लगे पीछे से जाकर के अपना काम करा लेते हैं, लेकिन हम ग्रामीण लोगों के साथ क्या होता है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगते हैं तब जाकर के काम होता है, इसलिए गाँव के व्यक्ति के पास एक कॉल आता है कि घर बैठे आपका मोबाइल को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे, तो वो खुशी से क्या करते हैं हाँ एटीएम कार्ड नंबर बताए बताया, उस समय आपने देखे ध्यान से आप लोगों को क्या बताया गया एटीएम कार्ड का नंबर को बताते गए, ठीक है, फिर क्या बोले आप वैलिडिटी कितना है कार्ड का वैलिडिटी बताइए, ठीक है वो भी बता दिए, फिर क्या बोले आपके मोबाइल को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके मोबाइल में 4 या 6 अंक का ओटीपी आता है बस उसको आप बता दीजिएगा कि आपका मोबाइल जो आप एटीएम कार्ड है वो क्या होगा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, अब ग्रामीण बेचारा क्या समझे वो 4 नंबर का देखे टिंग टिंग बजा उनका मोबाइल और उसमें ओटीपी आया और वो ओटीपी भी शेयर कर दिए, फिर उसके साथ क्या हुआ जितने भी उसके अकाउंट में बैंक बैलेंस थे उनके अकाउंट में जो भी पैसा था सब सिर्फ चुटकी में ओटीपी बताते के साथ क्या हो गया पूरा खाली हो गया, तो आप सोचो कि उसके पूरे जीवन का कमाई सिर्फ एक सावधानी न बरतने से किस प्रकार से पूरा खत्म हो गया, तो कुल मिला के आप लोगों को फर्स्ट वीडियो दिखाने का ये मतलब आप लोगों का ये था कि जितने भी आजकल जो फ्रॉड कॉल आ रहे हैं आप लोगों के पास, ठीक है आप 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं आपको ये पैसा पाने के लिए आप इसमें इतना रुपए डालिए तो आपको वो पैसा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, तो कभी भी आप लोगों को विशेष रूप से इस वीडियो को दिखाने का ये तात्पर्य था कि इस प्रकार ठगी का शिकार नहीं होना है, ठीक है, आरबीआई क्या कहता है पहले आरबीआई कितने लोग जानते हैं आरबीआई क्या कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या काम होता है क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सब जानते हैं कि सबके पास अभी पेटेंट में नोट होगा और नोट में लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए सबको पता है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है आरबीआई क्या होता है, लेकिन अब आप लोग मेरे को ये बताओ आरबीआई करता क्या है, जितने भी बैंक का नाम आप लोग सुनते हो ठीक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका यूनियन बैंक हो गया जितने भी बैंक है उसको लीड कौन करता है आरबीआई, ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप लोगों की जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी अगर जो कॉमर्स डिपार्टमेंट से है जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से है तो वो आ सकता है, ठीक है वो जो रिजर्व बैंक जैसे आप लोगों का ये संस्था है क्या है ये महाविद्यालय जो कुंडली का है इसको लीड कौन करता है जो है वो क्या करता है सभी बैंक को लीड करता है, इतना समझ गए ठीक है, अब ये बताओ हमारे जसपुर जिले में लीड बैंक कौन सा है, बहुत ही आप लोग काफी पुस्तक जो पकड़े हैं निकाल ही लीजिएगा हम लोग के जसपुर जिले में लीड बैंक कौन सा है SBI का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारे जसपुर जिले में कौन सा लीड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है देखो तो आप लोगों को मैं एक बात और बताऊंगी पुराने समय में आप लोग देखते थे जो पूंजीपति साहूकार लोग होते थे उनके पास हम लोग जाकर के या हमारे जो गार्जियन है हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उन लोग क्या करते थे कुछ भी काम के लिए लोन लिया करते थे या क्या करते थे पैसा लिया करते थे, तो आप लोगों को पता है सेठ साहूकार लोग कितना ज्यादा ब्याज जोड़ करके और आप लोगों को पैसा देते हैं, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप लोगों के पास सरकार जो बैंक है वो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही है, जैसे आप लोग स्कूली छात्र हो ठीक है शिक्षा के लिए भी आप लोगों को लोन मिल रहा है सभी प्रकार की सुविधाएं आज बैंक में उपलब्ध है, इसलिए आप लोग अभी भी जानकार बनने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को मदद की आवश्यकता है तो आप लोग कहाँ जाएंगे सेठ साहूकार के पास तो बैंक जाएंगे ना, और बैंक जाने के बाद पूरे प्रोसेस के साथ आप लोग क्या करेंगे वहां पे लोन लेंगे या किसी भी प्रकार का अगर मदद चाहिए तो हम लोग कहाँ से लेंगे बैंक से, और एक बात और बताऊंगी आप लोगों को कभी भी किसी अदर बैंक जैसे आप लोग
गवर्नमेंट बैंक है। अगर आप लोग यहाँ से किसी प्रकार का लोन लेते हैं, यहाँ अपना पैसा जमा करते हैं, तो क्या होता है, आप लोग सुने थे बीच में कांड हुआ था कि बैंक जल गया था पूरा, तो उसमें क्या होता है, अगर आप लोग उस स्थिति में वो वैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। अगर बैंक में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है फिर भी आप लोगों को क्या है, आप लोगों का पैसा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे प्रूफ के साथ हम लोग क्या किए हैं, पैसा वहां पर पे जमा किए हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक में खाता तो खुलवाते हैं, ठीक है, बीमा भी करवाते हैं, लेकिन नॉमिनी नहीं रखते हैं। नॉमिनी का मतलब कितने लोग समझते हैं, नॉमिनी का मतलब कितने लोग समझते हैं? मैं बोली ना शुरू में ही आप लोगों को बताई, बोली मैं स्पीच दे रही, यहाँ नहीं आई हूँ, आप लोगों से बात करने आई हूँ। नॉमिनी का मतलब बताइए आप। नॉमिनी का मतलब होता है जैसे कि मैं फॉर्म भरूंगी तो मेरे जो बड़े रहेंगे उनके नाम पे मैं करवा सकती हूँ। बहुत अच्छा। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे हमारा जमीन जायदाद जो होता था, अभी भी होता है, ठीक है, मान के चलो हमारे दादाजी, ठीक है, उनके पास क्या है, बहुत सारा जमीन है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अपना जब उनका लास्ट स्थिति आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने जमीन में उनका जो वारिस होता है उसके नाम पर पे वो क्या कर देते हैं, उसको दर्ज करा देते हैं, या जमीन वगैरह होता है, देखते हो उसका कागजात अगर नहीं होता है तो हमारी जमीन को दूसरे लोग क्या करते हैं, हड़प लेते हैं या अपने अधिकार में ले लेते हैं। सिर्फ जमीन के कागजात के प्रूफ के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जमीन मेरा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग कभी बैंक में खाता खुलवाते हैं या बैंक में किसी प्रकार का बीमा कराते हैं तो नॉमिनी जरूर रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग बताते हैं, सुन तो लेते हैं कि हाँ बीमा कराना है, बीमा कराते हैं, जा करके हम लोग